रायबरेली जिले के महाराजगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत पूरे अचली में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी बीच हुए सरकारी धन के बंदरबांट को लेकर दो दिन पूर्व सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसकी खबर विभिन्न समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। आपको बता दें कि खबर को संज्ञान में लेकर आखिरकार ग्राम पंचायत अचली में मनरेगा के ऑडिट में पहुंचे अधिकारियों के सामने ग्रामीणों ने गांव में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी, जिससे चलते अधिकारियों को जांच पूरी किए बगैर ही बैरंग वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि विगत एक सप्ताह से ग्राम पंचायत अचली में व्याप्त भ्रष्टाचार बगैर काम कराए निकाले गए धन को लेकर ग्राम सभा के सैकड़ों ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी महाराजगंज समेत उप जिलाधिकारी महाराजगंज व जिला अधिकारी रायबरेली को शिकायती पत्र देकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर रायबरेली के मनरेगा विभाग के अधिकारियों द्वारा गांव पहुंचकर मनरेगा का ऑडिट के तहत कराए गए कार्यों की गहनता से जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि उसी बीच सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। मौके पर मौजूद अधिकारियों से ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम विपत्ति ग्राम पंचायत अधिकारी आदित्य कुमार द्वारा लोगों के खाते में बगैर कार्य किए ही पैसे डाल दिए जाते हैं, जिनका न कोई मास्टर रोल है और न ही कोई कार्ड है। ग्राम पंचायत में बने गंदा नाला में कोई सफाई का कार्य नहीं हुआ, जबकि ग्राम प्रधान द्वारा साफ सफाई का कार्य दिखाकर 25,000 रुपए निकाल लिए गए। आए हुए अधिकारियों ने ग्रामीणों की बात सुनकर जब इन मामलों को देखा तो उनके होश उड़ गए। आधी अधूरी जांच कर मनरेगा के अधिकारी बैरंग वापस लौट पड़े। इस मौके पर सैकड़ों महिला पुरुष ग्रामवासी मौजूद रहे। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। हग्गा नहीं जब है तो गलत है, बहुत ठीक है ठीक है ठीक है। रंजन का ये तो जो था ईश्वर का डर है ना, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आप बात समझो तो पहले। फिर कह रहे हो आप अभी इसी टाइम आपने कहा कि हमने लगवाए, हमने अरे हम इसमें आप सुनिए, इसमें हम खुद वो क्या बोलते हैं जो है इसको साल के लगवाए होते कुछ नहीं कहते। एक मिनट सर, कुछ ना कुछ तो दस